डाउन में अभी हम लोग देख लिए हैं कॉन्टिनेंटल जीटी, तो कैसा लगा अरमान? बहुत जबरदस्त बीस्ट गाड़ी है। मेरे को लेने का प्रोग्राम था, अभी तीन तो लेंगे एक साथ, मेरा सलमान और फरमान का। साउंड सुनिए गाइस, क्या गजब का लग रहा भाई साउंड। अरे गाड़ी अच्छा है तो फोटो अच्छा नहीं आएगा। आप सभी का स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग का भी 10 बज रहे हैं और सुबह सुबह मेरा दोस्त वेट कर रहा है बुलेट शोरूम में। वो बुलाया है मेरे को, किस लिए बुलाया है नहीं पता। चलिए चलते हैं। अगर चैनल पर नया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास जब भी नया वीडियोज आए आसानी से मिल जाए। फिलहाल अभी शोरूम पहुँच गया सुबह सुबह। ये देखें रॉयल इनफील्ड का शोरूम और ये है मेरा दोस्त। देख सकते कितना मोटा सोटा हो गया, पेट उट निकाल लिया है। और ये है हम लोग का रिजवान, बचपन का दोस्त है ये भी। सबका पेट निकल गया, सिर्फ हम पतले होते जा रहे हैं भाई। क्या ही बताएं कि आप मेरा स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दिए हैं। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं गाइस। और एलगोन आया है स्कॉर्पियो से अभी, तो चलिए अंदर चलते हैं गाइस। शोरूम का बाहर ही देख सकते हैं गाइस कितना सारा बुलेट रखा हुआ है। मेरून कलर भी अच्छा लग रहा है देखने में, बट हम लोग स्पेशली आए हैं जीटी कॉन्टिनेंटल 650 देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अभी शोरूम के अंदर आ गए हैं गाइस। और ये देखिए अरमान बैठ गया है। और ये आईफोन कौन सा है ला? A14 ने कब लिया है ला? मेरे को बोला भी नहीं कि लिया है बोल के। और ये देखिए गाइस सामने है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। ये मॉडल कौन सा है भाई? बड़ा अच्छा लग रहा है ये कलर भी। ये कलर भी अच्छा लग रहा है देखने में गाइस। और ये देखिए भाई पार्ट्स इसका कितना सारा साइलेंसर रखा हुआ देख रहे हैं। चलिए और ये है देखिए बुलेट का जैकेट, जिनको जिनको पसंद है भाई वो आके जैकेट ले सकता है राइड के लिए ये स्पेशली। और ये देखिए ये है क्लासिक 350 का न्यू, ये भी न्यू एडिशन है भाई, अच्छा लग रहा ब्लैक में देखिए। और अंदर का लुक देखिए क्या मस्त लग रहा देखने में देखिए। वाओ अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये देखिए हेलमेट इतना सारा रखा हुआ है रॉयल इनफील्ड का ही। अभी शोरूम से बाहर आ गए हैं फ्रेंड्स और अभी हम जा रहे हैं नीचे। अरमान का जो पुराना बुलेट है उसको थोड़ा सर्विस कराने दिया हुआ है। सर्विस कराने दे रहा है कि उसको हटा ही देगा? उसको हटा देगा ना। पुराना रॉयल इनफील्ड जो इनके पास है वो 2017 का है ना, 2017 का है, तो इनको हटाने का प्लान है इनको। और अभी हम लोग सलमान को ढूंढ रहे हैं। किस साइड स्टोर है? इसी साइड है क्या स्टोर? अच्छा उधर है भाई, वो तो उधर है। हम लोग उधर ढूंढ रहे हैं और इधर है स्टोर क्या? चलो हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस गोडाउन। ये देखिए जीटी कॉन्टिनेंटल 650 है ना। चलो भाई डबल साइलेंसर है। 7979 इसका जो आता ना यहाँ से जो गोल्डन कलर वाला आता मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी एक ही पीस है, एक ही पीस है कि और पीस आएगा ना? ऑर्डर देने से आ जाएगा। ओला तो 600 है लग रहा। ऑर्डर देने से आएगा ओला। इंटरसेप्टर, ओ इंटरसेप्टर है वो तो। हाँ भाई ये कॉन्टिनेंटल है। ये अच्छा लगता ना सलमान? कॉन्टिनेंटल एक नंबर है क्या? जो बन रहा है हल्का फुल्का वो उससे अच्छा यही है। 350 साउंड सुनिए गाइस, क्या गजब का लग रहा भाई साउंड, तवा तोड़ लग रहा है। अब देखने में भी लाजवाब लग रहा है क्या? इसका जो दूसरा कलर है वो भी मस्त है। और एक कलर है ना इसका? तीन कलर है ना। चलिए इसका तीन कलर है, बट ये भी कलर काफी अच्छा लग रहा है देखने में। गिरेगा तो लगभग हल्का फुल्का तो स्क्रेच आएगा ही ना। हाँ गार्ड उड तो हाँ प्लेन हो जाएगा। नॉन स्क्रेचेबल कॉन्टिनेंटल
हूँ। अभी फोटो शूट चल रहा है, देखिए ये गाड़ी के साथ फोटो फोटो भी अच्छा आता है क्या? अरे गाड़ी अच्छा है तो फोटो अच्छा नहीं आएगा। चलो वीडियो बना तो हमारे टीम नहीं था मैं आराम से डाल अरमान को चाहिए गोल्डन वाला, मेरे को भी चाहिए और सलमान को भी चाहिए गोल्डन वाला। अब फिर ये सिल्वर वाला कौन लेगा? ये तो ऑर्डर में आया मतलब इसका सॉकर गोल्डन कराएगा ना, लेकिन वही ज्यादा बेस्ट लगेगा, लेकिन पता है मस्त लगेगा गोल्डन वाला। आवाज सुनिएगा इसका, गजब का लग रहा भाई। वो डाउन में अभी हम लोग देख लिए हैं कॉन्टिनेंटल जीटी, तो कैसा लगा अरमान? बहुत जबरदस्त बेस्ट गाड़ी है। मेरे को लेने का प्रोग्राम था, अभी तीन तो लेंगे एक साथ, मेरा सलमान और फरमान का, मतलब ये तीनों भाई का ले रहा है, ठीक है एक साथ क्या? हाँ। तो मजा आ जाएगा क्या? और हम भी राइड करके देखेंगे कैसा है मेरा। डिलीवरी लेंगे और काफी मजा आने वाला, केक वगैरह कटिंग होगा। बिल्कुल। तो चलिए अभी चलते हैं शोरूम के अंदर, हम लोग सारा डिटेल्स वगैरह पूछते हैं क्या, डिटेल्स वगैरह पूछते हैं कैसा है, क्या कितना लगेगा, डाउन पेमेंट लगेगा क्या, सारा चीज़ अभी हम लोग। अच्छा पूरा कैश मिलेगा ना, चलो तब ठीक ही है। चलिए देख लेना बढ़िया। दोबारा से अभी हम लोग शोरूम पहुँच गए हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं गाइस कॉन्टिनेंटल का कलर, देखें ये ग्रे कलर हो गया ना, भी देखें ये गोल्डन वाला, ये अच्छा लग रहा है लेकिन, और ये कलर भी अच्छा है डक्स डिलक्स वाला क्या। सो यहाँ पे हम लोग दोनों भाई बैठकर गाड़ी का कलर चॉइस कर रहे हैं, तो अरमान बोल रहे हैं कि क्रोम कास्ट भी अच्छा लग रहा है और गोल्डन वाला जो है वो भी अच्छा लग रहा है, दोनों ही अच्छा लग रहा है, दोनों में से ले लेंगे कोई कलर। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. से भी हम लोग निकल चुके हैं फ्रेंड, हम लोग जो गाड़ी चॉइस कर रहा था वो सारा गाड़ी चॉइस वगैरह कर लिए क्या अरमान? तीन तीन गाड़ी चॉइस कर लिए हम लोग, तीनों कलर भी चॉइस किए क्या, तीन कलर। तो फिलहाल अभी अपना स्कूटी को यहाँ पे पार्क कर दिए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं स्कॉर्पियो से। कहाँ जाना है अभी? दिल्ली दरबार। लंच वगैरह करने जा रहे हैं हम लोग साथ ही में, आराम से आराम से। चलिए 11 बजे लंच करेंगे। 11 बजे लंच? हम लोग 11 बजे लंच करेंगे क्या? हो गया ना। चलिए अभी अंदर चलते हैं, और फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं गाइस, और ऑन द वे है अभी। ये देखे न्यू ब्लॉगर क्या सलमान, उभरता हुआ कलाकार। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली दरबार, ये देखिए सामने है दिल्ली दरबार, और गाड़ी यहाँ पे अभी हम लोग पार्क कर दिए हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं, और खूबसूरत सा नज़ारा का सामने है, देख लीजिए ये दिल्ली दरबार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भाई। चलिए अभी अंदर चलते हैं, ठीक है क्या मस्त लग रहा भाई यहाँ नज़ारा, भाई हवा भी आ रहा हल्का फुल्का हवा आ रहा ना, और ज़्यादा अच्छा लग रहा मेरे को। तो पहुँच गए दिल्ली दरबार। वाओ एम्बियंस काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, देखिए बैठा जाए भाई अभी। अच्छा बाहर चलिए, अरमान बोल रहे कि बाहर ही बैठेंगे,
बाहरी ज़्यादा अच्छा है क्या? ये मछली सब कितना बड़ा बड़ा है, देखिए गाइस, ज़्यादा है नहीं, दो तीन पीस ही है। यहाँ अच्छा लग रहा ना, यहाँ अच्छा लग रहा गाइस, हवा चल रहा है एकदम मस्त टाइप। और अभी हम लोग का मेन्यू कार्ड भी आ गया है, देखें, मेन कोर्स बिरयानी राइस और क्या क्या थाली है, वेज है, देखिए गाइस इतना सारा आइटम है यहाँ पे। चाइनीज़ मेन कोर्स, चाइनीज़ नहीं खाना है, कंटिनेंटल साउथ इंडियन, देखो। सो अभी हम लोग ऑर्डर भी दे दिए हैं, बिरयानी का ऑर्डर दिए हैं और तंदूरी वगैरह सब मंगवाए हैं। और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ देखने में, देखिए पूरा पानी पानी है। और ये देखिए लोटस कितना अच्छा लग रहा है देखने में गाइस, देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में, और एक दो खिला हुआ तो और ज़्यादा। और यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है गाइस, देख सकते हैं बेसिन लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से हवा खा खा कर अपना हैंड वॉश कर लीजिए भाई। जगह अच्छा है भाई, जो बोलिए मस्त जगह है भाई। आप लोग अगर आना है तो हाईवे रोड पकड़ के आ सकते हैं, रांची वाला रोड में, तो व्यू भाई मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग का खाना वाना आ गया गाइस, ये देखें मस्त लग रहा है क्या देखने में, एकदम चकाचक। चिकन विकन खा लिए हैं और अभी आ चुका है देखिए बिरयानी, तो चलिए अभी बिरयानी ट्राई करते हैं। बिरयानी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिरयानी अच्छा लग रहा है ना अरमान, चलिए बिरयानी ट्राई करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग का खाना पीना हो गया भाई, पूरा भरपेट हो गया है, पेट एकदम बहुत ज़्यादा हो गया खाना पीना, पूरा बिरयानी भी बढ़िया से खा लिया भाई एकदम दबा के, और चिकन तो भाई मज़ा से खाएँ। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं शोरूम की ओर निकल रहे हैं, अभी घर तो फिलहाल थोड़ा देर के बाद ही जाएंगे। चलो सो यहाँ से भी हम लोग निकल गए हैं गाइस, और भी हम लोग जा रहे हैं सीधे शोरूम में। तो गाड़ी वगैरह सर्विसिंग हो गया है, और अभी चला के भी देखे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा चला के। और ये लोग अभी घर निकल रहा है, देखिए ये निकल रहा है R15 से, अरमान निकल रहा है बुलेट से, और इनका चाचा निकल रहे हैं स्कॉर्पियो से। तो चलिए, और ये देखिए अरमान अभी लगा रहा है, देखिए माइक होल्डर मोटो ब्लॉगिंग के लिए रेडी कर रहा है। तो चलिए गाइस अभी हम भी घर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, घर पहुंच गया फ्रेंड्स, और उन्होंने अपना अपना घर चला गया है। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।